करेंगे कि ये प्यार है आपका जिससे हम कायल हैं। आप ये प्यार देते रहोगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे। इस प्यार के नीचे आप लोगों ने हम लोगों का जान बना दिया है और इस सब को मैं सेवा के द्वारा हम लोग सब मिलकर उतारने की चेष्टा करेंगे। आपको धन्यवाद। बस अपना ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना हमारे लिए सबसे अमूल्य चीज अगर कुछ है तो वो ये। और हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और सांसद अर्जुन जी मेघवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार जी, पूर्व मंत्री रामनारायण जी पूरी और जनार्दन सिंह जी, और यहाँ के बहुत ही राज्य विधायक गजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी और विजय विष्णुनिया, पूर्व मंत्री हेमानंद जी, राज्य के पूर्व अध्यक्ष सुनैराजी लोहिया और चंद्रपुरी जी शेखावत साहब, बैराम जी शरण जी, पूर्व विधायक नारायण जेगा और जिलाध्यक्ष गणेश सिंह जी, जिला अध्यक्ष अनिता जी चौधरी और पूर्व विधायक श्री हरीश कुमार और शिवराज जी विश्वनी और मेरे साथ साथ में बैठे हुए भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी। आप लोगों के सामने अभी करीबन 170 मीटिंग हो गई है और 13,800 किलोमीटर हमने पूरे करके ये आखिरी दिन कल जोधपुर में हमारा पूरा कार्यक्रम पहुंचा हुआ है। ये इतने चार महीने के अंदर पूरे राजस्थान का भ्रमण करने का मुझे मौका मिला है और रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक और 50 डिग्री गर्मी से लेकर बरसात के अंदर आप लोगों के बीच में आपके साथ चल के और आपकी समस्याओं को बड़े पास से निकट से देखने को मुझे मिला। मैं जहां जहां गई हूँ मुझे लगा कि वो उदयपुर के अंदर कुछ होगा तो जोधपुर के अंदर कुछ होगा और आपके अजमेर के अंदर अलग होगा, परंतु मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि सबकी समस्या वही है। आपके अजमेर, आपके उदयपुर, आपके जयपुर किसी के बीच में कोई समस्या नहीं है। कोई पानी की मुसीबत, कोई बिजली की मुसीबत, कोई सड़क की मुसीबत, कोई रोड सड़क नहीं है। आप लोग चिंतित हो रहे और कोई डॉक्टर और टीचर नहीं है। ये मुसीबत एक एक जिले के अंदर हमको देखने को मिली। आज लोकसभा विधानसभा के अंदर से निकल रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपकी है पेयजल की है ना, हमारे जिले में पानी है ना। सब माता लेने लगे बाबा कह रहे हैं सबको पानी की समस्या है और लोग आज टैंकर से पानी खरीदने में मजबूर हो रहे हैं और ये 40 ट्यूबवेल लंबे समय से अभी खराब पड़े हुए हैं और ये सरकार उन लोगों को ठीक नहीं कर पाई। हमारे समय के अंदर केंद्र सरकार के गजेंद्र सिंह ने इन क्षेत्र के लिए अपनी बहुत सारी ऊर्जा लगाई। मैं कहीं उनकी बात करती थी, मैंने कहा सब चीज यार लोगों को ज्यादा तो क्या कर रहे हो, ये पता किया कि जो भी आता है वो लोगों के अंदर 32 है, 33 है, जो भी आपके काम करने की जरूरत है तो दौड़ दौड़ के लिए आप के अंदर काम करने का मौका है। मैंने ये लोग उसको भी नहीं संभाल पाए, अगर उसको संभाल पाते हैं तो लोहावट जैसी जगह जहाँ बिजली की कर्म के अंदर कोई कमी नहीं है वहां भी बिजली की कमी है तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की तरीके से इसको सुधार है। किसानों को सिर्फ 4 घंटे की बिजली मिल रही है और वो भी मुश्किल से और क्यों पूरी तरह से ट्रिपिंग हो रही है। इस समस्या में बैठे हैं कितने घंटे लिए 3 घंटे 4 घंटे मिल रहे ना और वो भी ट्रिपिंग के साथ सही तरीके से नहीं हो रहा। और इसी तरीके से माता जी ने मैंने चला के सिंगल प्लेट की बिजली आप लोगों के लिए लगाई। इस सिंगल प्लेट की बिजली के अंदर हमने ये सोचा था कि आपको घर के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए बिजली मिल जाएगी और आपको घर के काम के लिए बिजली मिल जाएगी और मैं जब चली गई थी 2008 के अंदर तो आप लोगों को करीबन 18 घंटे बिजली देते गए और अब आप देख लीजिए कि मैं पता कर रही थी बताया मेरे को
यूनियन से आप लोगों को 10 साल घर में बिजली मिलती है क्या? चलिए 10 साल घर में बिजली को भी नहीं मिलता। और मैं आप लोगों को सबको कहना चाहती हूँ बीपीएल के पढ़ने वाले कनेक्शन के लिए जो आवेदन किए हैं वो भी स्वीकार नहीं किए गए अभी तक उन लोगों की जो बिजली लेने के लिए। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि सरकार अपनी आएगी तो सबसे पहले माता बहने जो यूनियन से लाइन आप तक आई है उसमें 24 घंटे बिजली देने का काम हम लोग आपसे करेंगे। घर के अंदर 24 घंटे बिजली आपको जरूर मिलेगी। राजस्थान में 70% आबादी गांव के अंदर रहती है, इसमें 80% आबादी ग्रामीणों के अंदर व्याप्त करती है। और ग्रामीणों के लिए हमने मुख्यमंत्री सबके लिए योजना बनाई थी और इसे जो कनेक्शन देने का काम हम लोगों ने शुरू किया था। आज इस सरकार ने कनेक्शन सब बंद कर दिए हैं और आवेदन ले रही है परंतु कनेक्शन नहीं दे रही है। तो लेने का क्या मतलब है? मेरे ध्यान के लिए ये आता है कि जब आप आवेदन देते हो तो क्या पैसे दे रहे हो, तो ये पैसे तो दे रही है परंतु कनेक्शन देने में इतनी देरी कर रही है कि इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर बात नहीं करो कनेक्शन के लिए जल्दी का रूपांतरण मांगने लगी आजकल तो हमारे समझ के अंदर कभी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं। आज आपको करना पड़ रहा है तो मैं मुझे समझ नहीं आता है कि इसको करने से उनको क्या फायदा है, क्योंकि हमने अगर उस समय चला लिया होता तो अभी भी उनको चलाना ही चलेगा। हमने ये देखा कि अपने टाइम के अंदर हमने आपसे पैसे तो बढ़ाए नहीं परंतु अच्छी क्वालिटी की बिजली आप लोगों को बना के दी। हमने चरण को 8 घंटे उद्योगों को पढ़ा और घरेलू बिजली और काला बिजली घंटे करने का काम किया। आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके बिजली दाम बढ़ गए। जो घरेलू बिजली है माता बहने वो 3 बार और जो अघरेलू बिजली है उसको 8 बार बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। और आज के जमाने के अंदर जब बिजली नहीं मिल रही है मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर बिजली सही मिल रही है तो दाम ले लो, परंतु जब बिजली नहीं मिल रही है ऐसे टाइम पे आपसे दाम ले जाओ तो ये इतना हमारा पाप है गरीबों के साथ। मैं तो समझती हूँ कि ये देखिए सरकार को करना ही नहीं चाहिए था परंतु उन्हें करने में कोशिश और मैंने छोड़ दी है। आप लोगों को बहुत ही गलत सरकारी काम के अंदर छोड़ा हुआ है। लोग आपस की बिजली का व्यवस्था मैं पूरा करना चाहूंगी। एक प्लास्टिक द्वारा केंद्र के हवाले से जोड़ दिया इतनी सारी जनता और उनको एक प्लास्टिक द्वारा केंद्र के ऊपर छोड़ दिया है। इस सीएससी के अंदर कोई महिला डॉक्टर नहीं है माता बहने तो कहा जाना पड़ता है, कोई बीमारी हो गई तो आपको दूर दूर जाना पड़े, ये आपकी स्थिति हो गई है और ना कोई टेक्निशियन है। परंतु अखबार में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आप लोगों को फ्री दवाई मिल रही है और फ्री आपकी जांच हो रही है कि आपको फ्री जांच और फ्री दवाई मिल रही है क्या किसी को मिल रही है किसी को? तो ये बता दूं मुझे किसी को गेहूं 1 किलो गेहूं 1 रुपए के हिसाब से किसी को मिल रही है किसी को मिल रही है? देखो बताया जा रहा है कि मिल रहा है आप लोग दे रहे हैं तो पोस्ट कार्ड जो आते हैं ना पेपर में उसमें ये लिखा जा रहा है कि आप लोगों को 1 किलो गेहूं 1 रुपए के हिसाब से गाँव के अंदर दिया जा रहा है। क्षेत्र की सड़कों की क्या हालत है? मैं तो जहां गई हूँ सातों परिवार के अंदर मेरे को ये देखने को मिला है कि जहां गई बात कर रहा आप तो माननीय बोलते ही नहीं हो, किसी को कहा नहीं है। गाँव वालों से पूछा तो गाँव वालों क्या जाएंगे और कहेंगे तो किसको कहेंगे क्योंकि हमारी बात तो कोई सुनने को नहीं है। और अगर हमने धरना प्रसाद भी कर दिया तो केस बना देते हैं और फिर हमारे घर में भूल जाते हैं, ये स्थिति है। और हम कहा जाएंगे किसके पास जाएंगे? इससे बेटर तो ये है कि सरकारी बदल देंगे और जब सरकार बदल देंगे तो हमारे सब काम पूरे हो जाएंगे। ये आप लोगों को सबको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा। टीचर है माता बहन टीचर है बच्चों के टीचर है। मेरे को बताया जा रहा है कि स्कूल में शिक्षकों की बहुत जोरदार कमी है। सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर भी कुछ नहीं किया है। कई ऐसी जगह है जहाँ ताला लग चुके हैं स्कूल के अंदर, मान लो यहाँ हो गया हो गया नहीं परंतु जिस क्षेत्र के अंदर मैं भी गई हूँ वहां मैंने देखा है कि जगह जगह पर लोगों ने बच्चों के ताले लगा दिए। आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर बहुत सारी घोषणा की थी। मैं आप लोगों से पता करना चाहूंगी कि आप लोग बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी, दरें बढ़ा दी और एक बार नहीं दो बार नहीं चार बार नहीं पांच बार नहीं बार बार आपको बढ़ाते आपको बुध किया है। 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा की थी आज तक पूरा नहीं हुआ है। किसानों के 8
व्यक्ति ने 80 दिनों का निरंतर बिजली देने का काम किया वो आपको नहीं मिल रहा है। और आपके यहाँ आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग है उन लोगों को जमीन देने का काम बताया था, आपको किसी जमीन मिली जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर
आज तक
पार्टी, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद।